हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीतिका किचन। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यमसी मैगी, जो कि सिर्फ 3 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस को ऑन करा है और उसके ऊपर रख दी हमने कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल। ज़्यादा ऑयल हमें ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा करना है। फिर हमने इसमें डाली है कटी हुई शिमला मिर्च, और साथ ही में हमने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। वेजीज आप अपनी पसंद की कोई भी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया था, क्योंकि स्वीट कॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मैगी में। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया है, और इसको 2-3 सेकंड के लिए हम सोते कर लेंगे। और उसके बाद में हमने इसमें डालना है 1 ग्लास के करीब जो है पानी। और पानी जब हमारा हल्का फुल्का गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद में हम इसमें अपने नूडल्स जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अपने नूडल्स जो ऐड कर दिए हैं, उसके बाद में इसमें जो टेक्स्ट मेकर आता है वही मैंने इसमें ऐड करा है। इसके अलावा मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था, फिर भी हमारी मैगी काफ़ी ज़्यादा चटपटी, बहुत ही ज़्यादा यम बनी थी। तो ये टेस्ट मेकर जो है हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको उबाल आने देंगे, और नॉर्मल 2-3 मिनट में ये बन के जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 1-2 उबाल में ही हमारी मैगी जो है वो एकदम बन जाएगी। तो देखिए, हमारी मैगी जो है आधी तो बन चुकी है और आधी बस बनने ही वाली है। तो यहाँ पे हमारी मैगी जो है बन चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा केचप डाल देंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे केचप डाल के हमारी मैगी जो है बन गई है, पूरी अच्छे तरीके से खाने के लिए जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये हमारी मैगी परफेक्ट बनी थी। तो चलिए इसको खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इन्जॉय करिए मैगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय महादेव।